सेफ्टी मेजर्स पहले ले रहे हैं, रेन कवर पहले ही लगा लेते हैं। रोक दे कहीं यार भाई जी साइड में, वहाँ गिल्ला हो गया बहुत। चलो गाइस जब तक बारिश हो रही है हम आपको एक गाना सुनाते हैं। बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में कैसे हो आप सब, दिस इज अनिल चौहान, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो दोस्तों आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, पता है क्यों? क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ घर वापस। मेरे को घर की बहुत ज्यादा याद आती है यहाँ पे, स्पेशली मम्मी जी की। तो बस अभी अभी सोकर उठे हैं हम, और यहाँ आप देख सकते हैं भाई जी को। तो अभी भाई जी और मैं दोनों तैयार होंगे, पर दोस्तों जाने से पहले थोड़ा खाना खा लेता हूँ। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, तो खाने में कुछ नहीं है, ज्यादा फॉर्मेलिटी की है इन्होंने। तो खाने में भाई खिचड़ी बनी है और अचार है, मैं भी खा लेता हूँ। भूख आ रही है, तैयार हो जाओ फिर निकलना भी है। तो दोस्तों खाना खा के हो चुके हैं तैयार, अभी संजू तैयार हो रहा है, दिखाता हूँ आपको। यहाँ देखिए ये तैयार हो रहा है, ये कोई नया फेस वॉश है इसके पास, ये कैसा फॉर्म वाला फेस वॉश है। मैं करता हूँ अपने स्किन केयर के लिए यूज इसको, क्योर स्किन कंपनी का है, बताता हूँ तेरे को इसके बारे में। पहले मेरे को मुंह धो लेने दे। इससे पहले कि मैं निकलूं यहाँ से, उससे पहले बताना चाहता हूँ मैं क्योर स्किन के प्रोडक्ट्स के बारे में आपको। ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। इसके अलावा मैंने और भी बहुत सारे प्रोडक्ट क्योर स्किन से ही ऑर्डर किए थे। आजकल के जमाने में अपने स्किन और हेयर की केयर कौन नहीं करना चाहता। मैं भी अपनी स्किन को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न रहता था, फिर मेरे को मेरे एक दोस्त ने क्योर स्किन के बारे में बताया और ये रिकमेंड किया। क्योर स्किन एक डर्मेटोलॉजिस्ट या डॉक्टर बेस्ड ऐप है। इस ऐप में आप अपने हेयर, फेस या स्किन केयर के बारे में सलाह ले सकते हैं और घर बैठे बैठे अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड सोल्यूशन ले सकते हैं। चलो मैं आपको बताता हूँ इस ऐप को आप कैसे यूज करेंगे। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक में जाकर आप टैप करेंगे, फिर आप क्योर स्किन के ऐप को इंस्टॉल कर लेना और उस पर अपना डेटा फिल करना। डिटेल्स फिल करने के बाद आप अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं। मेरे को फेस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फील हो रही थी, इसलिए मैंने अपने फेस को टैप किया यहाँ पे। फिर मेरे को इसमें बहुत सारे और ऑप्शंस मिले, पर मैंने इसमें बेटर एंड हेल्दियर स्किन में टैप किया। उसके बाद आपको अपने फ्रंट और साइड फेस के फोटोज लेने होते हैं, और उसके बाद आपको अपने पूरे फेस को कैमरे के सामने दिखाना होता है, और जो भी प्रॉब्लम होगी वो ये ऐप खुद ही डिटेक्ट कर लेगा। उसके बाद आपकी बात होगी डायरेक्ट डॉक्टर से, स्पेशलिस्ट से। एट द एंड ऑफ द चैट वो आपके स्किन के प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट्स रिकमेंड करेंगे, जैसे कि मुझे स्पेशलिस्ट ने ये किट रिकमेंड किया था। ये किट आपको लगभग 1500 के अराउंड मिलेगा। ओवरऑल मेरा जेन्युइन रिव्यू इस प्रोडक्ट के लिए बहुत ही अच्छा है, और मैं इसको रेगुलर बेसिस पे अपनी स्किन केयर के लिए फॉलो कर रहा हूँ। तो आई हाईली रिकमेंड दिस प्रोडक्ट ऑफ क्योर स्किन फॉर स्किन केयर। तो अभी जाओ डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पे टैप करो, इस ऐप को डाउनलोड करो, और आप भी अपनी स्किन केयर के लिए क्योर स्किन से प्रोडक्ट्स ऑर्डर कीजिए। थैंक यू सो मच। प्रोडक्ट तो मेरे को अच्छा लग रहा है, कर लेता हूं मैं भी, करूंगा यूज। तुम हो गए तैयार है ना, मैं ही रह गया हूं अकेला, तो मैं भी तैयार हो जाता हूं। अब फाइनली हो चुके हैं तैयार दोस्तों, अब निकलते हैं अब अपनी मंजिल की ओर जो की है घर। तो बहुत टाइम बाद घर चल रहे हैं, वेरी एक्साइटेड। चलो फिर इधर मौसम आप देख सकते हैं कितना सही है ना? सही तो है ना, आगे लगेगा पता, धूल खाने के जब। कितना टाइम लग जाएगा घर पहुंचने में? करीब 3 घंटे, अगर कहीं पे ट्रैफिक नहीं लगा तो। चलो भाई निकालो अपने हेलीकॉप्टर को। कैसा लगा भाई जी तेरे को इतने दिन चाल चौक में रह के? बहुत ही गंदा लगा मेरे को, मजा ही नहीं आया यार। गंदा क्यों लगा तेरे को? बोर हो गया मैं बहुत ज्यादा, जब तुम लोग नहीं होते थे ना रूम में, अकेला होता था मैं, पड़ा हुआ मजा ही नहीं आता था, कुछ दिमाग हो गया मेरा खराब। भाई जी बारिश की बूंदे गिर रही है। अरे कैसे पहुंचेंगे हम घर? घर तो पहुंचेंगे, भीग के पहुंचेंगे, अंडरवेयर भी हो जाएगा गीला अंदर। टंकी में देख सकते हैं आप बूंदे पानी की, जितनी बारिश अभी हो रही है ना, अभी हल्की बारिश है। अगर इतनी बारिश होती रहे तब तो हम कट लेंगे अपने रास्ते आराम से, बट अगर ये बारिश बढ़ गई ना फिर भाई, फिर तो अंडरवेयर भी गीले हो जाएंगे। निचोड़ के दिखाते हैं आप लोगों को गाइस। सड़क में दिख रही है तुम्हारे को बूंदे, टंकी में ही देख लो नज़ारे, देखो गाइस व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। बस यहाँ पे रोक दे, DSLR के बैग में लगाते हैं रेन कवर। गाइस वैसे तो बारिश रुक गई है वैसे तो ऑलमोस्ट, पर मौसम अभी भी ख़राब है ना, तो हम रिस्क नहीं ले सकते। इसके बाद बिना रुके चलना है हमारे को नॉन स्टॉप, ताकि जल्दी घर पहुंच जाएं हम, इसलिए हम सेफ्टी मेजर्स पहले ले रहे हैं, रेन कवर पहले ही लगा लेते हैं। लग गया, यहाँ देखो टंकी भी पूरी गीली हो चुकी है, रोड भी पूरा भीग चुका है। रोक दे कहीं यार भाई जी साइड में, वहाँ गीला हो गया बहुत। कोई शेल्टर देख क्या चल रहा है? कैमरा मैन भी गिर गई बारिश की बूंद। रोक दे,
भाई पूरी लोअर गीली हो गई है गाइस, देख सकते हैं आप। यहाँ पे सूखा यहाँ लगा दे। बाइक में यही दिक्कत होती है गाइस, गर्मी में धूल, सर्दी में ठंड, बरसात में ये बारिश। बस एक ही एडवांटेज होता है इसका, जब ट्रैफिक में फंसे हो ना तो फटाफट सिंग 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 करके निकल जाते। कैसे करके? सिंग सिंग सिंग। बादल गरजने की आवाज सुनो। इस हिसाब से पहुंचेंगे हम रात को। क्या कर सकते हैं भाई, तेरी किस्मत ही खराब, तेरे साथ हो गई मेरी किस्मत भी खराब। हाँ, इसको खोल देता हूँ। हमारा मेरे को लगता है एक कर घंटे तक रुकेगी भी। ये तो बढ़ ही रही है, बढ़ गई। अब देख गाड़ी की आवाज़ है, गाड़ी की आवाज़ नहीं है यार। कहाँ है गाड़ी की, देख बढ़ गई बारिश। बढ़ गई सही। चलो गाइस, जब तक बारिश हो रही है हम आपको एक गाना सुनाते हैं, ठीक है? बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में, बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में, मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। कुछ तो गड़बड़ है दया, बारिश तो रुकने का नाम ले रही है, पर थोड़ी कम हो गई है फिलहाल। चल चलते हैं ना, नहीं तो रह जाएंगे हम यहीं, बारिश नहीं रुकने वाली। पर आ तो गई धूप, वैसे पीछे कर चल निकलते हैं अब, रुक जाएगी ये। टाइम हो गया, एक घंटा हो गया हमारे यहाँ कम से कम। फाइनली दोस्तों बाइक लगा चुके हैं हम, पहुँच चुके हैं पंडो। भाई पिछवाड़े में हो रही है दर्द, तेरे को नहीं हो रही? हालत हो गई खराब है, हालत बहुत ज़्यादा टाइट हो गई गाइस। कब से ट्रैवल कर रहे हैं गाइस, और अब बहुत ज़्यादा भूख आ रही है, तो पहले कुछ खा लेते हैं फिर निकलेंगे आगे। अब कितना टाइम लग गया? लग रही है अब लगेगा 2 घंटा। उसको देख के और भी ज़्यादा भूख लग रही है। मज़ा आ गया, ऐसा लग रहा है जैसे पुनर्जीवन मिला है। अब निकलते हैं यहाँ से, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकलते हैं। चल भाई जी जल्दी करो, बारा पहुँचा दे किस तरह घर। आज एक ही मिशन है लाइफ का, वो है घर पहुँचना। ये हो चुकी है गाइस ऑफ रोडिंग स्टार्ट। यहाँ पे कीचड़ ही कीचड़ है क्योंकि बारिश हो गई थी ना, देखा ही होगा आपने। साइड से निकल जाएंगे हम तरीके नाल। रोड देखो जरा गाइस, कितना कीचड़ है रोड में, गंदा रोड हो चुका है वहाँ। मजा नहीं आ रहा मेरे को कुछ बाइक चलाने। रोड की कंडीशन देखो जरा गाइस, व्यू तो देखो क्या जबरदस्त व्यू आ रहा है भाई जी पीछे का। दोस्तों मैं कह रहा था हिमाचल जो भी आने का प्लान कर रहे हैं ना घूमने के लिए, आप आ सकते हो। रोड्स वगैरह बन चुके हैं पर थोड़ा यहाँ पे ट्रैफिक की दिक्कत है आजकल, तो आओगे तो टाइमली आ जाना भाई। देखो दोस्तों किस लेवल तक का यहाँ पे ट्रैफिक है। दोस्तों घर पहुंचते ना हमें ऑलमोस्ट शाम हो चुकी है। गाइस ये बैल है, बैल देखो दोस्तों, ये बड़ा भाई है मेरा, फिर भी मतलब मैच्योरिटी मेरे में ज्यादा है, बच्चों जैसी हरकतें करता है। वहां देखो दोस्तों लैंडस्लाइड। रात भी हो गई है और फिर से बारिश शुरू हो गई। भगा भाई जी जल्दी आ रहा। घर पहुंचते ये बारिश बहुत तेज हो गई है गाइस, बहुत ही ज्यादा तेज हो गई है, हमारी हालत खराब हो गई है। यहाँ पे मेरी हालत आप देख सकते हैं, पानी मेरे फेस में, मैं बाइक चला नहीं पा रहा हूँ, हाथ पैर सुन्न हो गए मेरे, बड़ी मुश्किल से हैंडल कर रखा है मैंने। यहाँ देखो भाई मैं बोल रहा हूँ हम इस बाइक को बेचने वाले हैं, जो कोई भी इंटरेस्टेड हो लेने में वो ले लो। हाँ भाई बस हमारी गाड़ी निकल जाए एक बार, फिर हम इसको बेच देंगे। कपड़े खराब हो चुके हैं,
हम बर्बाद हो चुके हैं, जिंदगी बर्बाद हो गई है, जिंदगी बर्बाद हो गई है। क्यों हो रही है बारिश? भाई भाई जी ठंड लग रही है बहुत ज्यादा। मेरा फोन निकाल जेब से, ये भीग जाएगा। कहाँ है? यहाँ इस जेब में देख। ओ भाई रोड पे नदी आ गई है गाइस। मतलब मेरी लाइफ का सबसे टफ बेस्ट ब्लॉग है मेरे लिए। कोई रास्ता कहाँ है? बारिश का पानी बज रहा है आंख में। बारिश का पानी आंखों में बजने के कारण रास्ता भी नहीं दिख रहा है। तुम तो डूबने गए जैसे। रोड पे नदी चली हुई है, नदी। गाइस आज फील हो रहा है कि सर्दियां आ रही है। ओ भाई जूते भी गीले हो गए, कपड़े भी गीले हो गए, बैग भी गीले। ओ शिट गाइस बच गया। इधर मोड़ सीधा कर इसको। पैर भी टिकरे हैं वहां ऐसे। फिसला है ना यहां? ओ भाई गाइस ओ फिर से हो गया तस्कर। यहां पे बहुत ज्यादा कीचड़ है और अभी गिरे हम। हल्का मेरा शुक्र है मैंने पैर रख दिया सीधा ऐसा। हम दोनों को चोट तो नहीं आई, ना बाइक को कोई खरोच आई, पर भाई डर गया था मैं बहुत। अभी ऐसे छोटे मोटे सीन होते रहते हैं यार, डरना नहीं चाहिए। यहाँ देखो दोस्तों पूरा भीग चुका हूँ। बिड्डू 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 बुरे हाल हो गए भाई जी। क्या हाल हो गए हमारे? बहुत बुरे हाल हो गए। गाय भी है हमारे साथ एक। हमारी गौ माता, ये हमारी गौ माता। दोस्तों रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है और मतलब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है। मेरे को लग रहा है कि ये देखो हमारे हाल। मेरे को लग रहा है कि बीमार पड़ जाऊँगा घर पहुँचते ही। अभी भी घर पहुँचने के लिए कितना 7-8 किलोमीटर है ना यहाँ से। 7-8 किलोमीटर का सफ़र बचता है घर पहुंचने के लिए। बाकी दोस्तों अभी हम इस ब्लॉग को एंड कर रहे हैं। इसका सेकंड पार्ट हम जल्दी ड्रॉप कर देंगे इस ब्लॉग को पोस्ट करने के एक दिन बाद। बाकी हम घर पहुंचे, हमारे साथ क्या होता है क्या नहीं हुआ और किस हालत में हम घर पहुंचे, घर पहुंचने के बाद हमारे साथ क्या हुआ, ये सब अगर आपको जानना है तो चैनल में बने रहें। स्टे ट्यून टू आवर चैनल द चौहान। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज का ब्लॉग। अगर भाई जी पे दया आ रही है भाई जी की हालत देख के तो पक्का इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। बाकी स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट ब्लॉग। ओके बाय।